अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री के पावर कपल्स में से एक है। दोनों पर्सनल लाइफ को मीडिया से कोसों दूर रखते हैं, लेकिन बी टाउन की पार्टीज और इंटरव्यूज में अक्सर एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई और अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते में अनबन की खबर कैसे हुई। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की केमिस्ट्री जितनी रियल लाइफ में लोगों को पसंद आई थी, उससे कहीं ज्यादा रियल लाइफ में हिट रही है। दोनों ने शादी से पहले कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें ढाई अक्षर प्रेम के कुछ ना कहो जैसी फिल्में शामिल है। इस कपल की मुलाकात पहली बार साल 2000 में हुई थी। कहते हैं प्यार से पहले दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहीं साल 2006 आते आते कपल की दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने खुलासा किया था कि फिल्म गुरु के दौरान जब वो साथ ठहरे हुए थे, उसी वक्त उन्होंने ऐश्वर्या राय को प्रपोज किया था और एक्ट्रेस ने हाँ किया था। बस फिर क्या था, अभिषेक उनके घर रोका करने पहुंच गए। उसी साल में दोनों की शाही अंदाज में शादी हुई। इस कपल ने जलसा बंगली में सात फेरे लिए। दोनों की शादी को 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन बीच बीच में इस कपल के रिश्ते को लेकर मीडिया में तलाक की खबरें काफी उठी। साल 2014 में अभिषेक बच्चन ने इस तरह की खबर फैलाने वाले हेटर्स का समय पर मुंह तोड़ जवाब भी दिया था और इन बातों का खंडन भी किया है। साल 2014 में अभिषेक ने अपने जवाब में साफ बयान कर दिया कि दोनों एक दूसरे के साथ अपनी शादी में बेहद खुश हैं। लेकिन अब एक बार और ऐसा ही कुछ हो रहा है। कहा जा रहा है कि अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते में कुछ अनबन चल रही है। बी टाउन की इस पावर जोड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी अफवाहें उड़ रही है। जो अभिषेक बच्चन ने तलाक पर इंस्टा पोस्ट को लाइक किया था, लोगों ने ये मान लिया कि पोस्ट पर अभिषेक की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि उनके और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके और ऐश्वर्या के रिश्ते की अनबन की खबरों ने तूल पकड़ ली। आपको ऐश्वर्या और अभिषेक की लव स्टोरी कैसी लगी और आपको वाकई में लगता है कि अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते में कुछ अनबन है? हमें अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।